गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शान पटेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फेनोमेना। बच्चों यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 में अभी तक हमने पार्ट 1, 2, 3 समझ लिए, ओके। अभी तक हमने समझा कि लाइटनिंग जो है, सबसे पहले के टाइम में हमारे जो एंशियंट जो थे वो लाइटनिंग से कितना डरते थे, कितना घबराते थे, कि उसको ऐसा लगता था कि जब स्काई में स्पार्क होता है, जब लाइटनिंग होती है, तब उसको ऐसा लगता था कि गॉड जो है अपना रथ लेके नीचे आ रहा है, ओके। वो डर जाते थे कि गॉड जो है हमें विजिट करने के लिए आ रहे हैं, आपको ऊपर ले जाने के लिए आ रहे हैं, उसको ऐसा लगता था, ओके। लेकिन लाइटनिंग जो है उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ओके। अब आज के लेक्चर जो वो समझेंगे, और लास्ट लेक्चर में बच्चों ने ये भी समझा कि लाइटनिंग जो है उसके टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइटेनिक के अंदर जो चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस के भी टाइप्स होते हैं, ओके। लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। हमने देखा था पार्ट 2 में कि लाइक चार्जेस जो है वो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्लियर। और अनलाइक जो चार्जेस जो है वो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ओके। तो पार्ट 2 में हमने देयर आर टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में समझ लिया कि चार्जेस जो है उसके टाइप्स किस तरीके होते हैं, किस में रिपल्सन होता है, किस में अट्रैक्शन होता है, उसके बारे में समझ लिया, ओके। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 3 में हमने ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के बारे में समझा था कि चार्जेस जो है वो ट्रांसफर किस तरीके से होते हैं, याद है आपको। अगर याद नहीं है तो एक बार समझ लीजिए कि चार्जेस जो है वो कोई कंडक्टर के थ्रू, मींस मेटल के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ओके। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट हो, चार्ज ऑब्जेक्ट को जब कोई मेटल के साथ, ओके, मेटल के थ्रू हम दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो मेटल को टच करना पड़ता है, कंडक्टर को टच करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज ऑब्जेक्ट जो उसमें से चार्ज जो है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर, ओके। तो बच्चों यहां तक चैप्टर नंबर 15 में पार्ट 1, 2, 3 दोनों तीनों पार्ट में हमने इतना समझा, ओके। आज हमारा पार्ट 4 है, पार्ट 4 में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझने जा रहे हैं, देखिए द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। बच्चों लाइटनिंग की स्टोरी समझ ली हमको कि हम जो रेनी सीजन में जो स्काई में हम लाइटनिंग देखते हो, जो लाइट होती है, ओके, तो वो किस तरीके से होती है, ऐसा स्काई में क्या होता होगा रेनी सीजन में जिसकी वजह से स्काई में लाइटनिंग होती है, ओके। तो इसकी स्टोरी आज हम समझने जा रहे हैं, सी हियर। यू लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट्स मूव अपवर्ड व्हाइल द वॉटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स। देखिए बच्चों ये तो पार्ट जो जब आप स्टैंडर्ड 7 में थे तब इसके बारे में स्टडी कर चुके, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से एक बार भी आपको समझा दूं कि जब रेनी सीजन या फिर कोई भी सीजन में जब थंडरस्टॉर्म हो रहा हो, क्या हो रहा है थंडरस्टॉर्म, तब क्या होता है थंडरस्टॉर्म जब डेवलप होता है तब क्या होता है, तो एयर करंट्स मूव अपवर्ड्स, एयर करंट जो होते हैं वो अपवर्ड्स ऊपर की ओर मूव करते हैं, व्हाइल द वॉटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स। वॉटर ड्रॉपलेट्स जो है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर आते रहे, मोस्ट ऑफ लिया आपने थंडरस्टॉर्म में देखा होगा कि एयर करंट जो है वो अपवर्ड मूव होती है और वॉटर ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर आते हैं। दिस विगोरियस मूवमेंट और सेपरेशन ऑफ चार्जेस। बच्चों विगोरियस मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, क्लाउड्स के अंदर जो चार्जेस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, उसकी वजह से सब सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है, ओके। देन बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टैंड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस। देखिए बच्चे एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये पॉइंट जो है समझने से पहले ऊपर का पॉइंट फिर से एक बार समझ लीजिए फिर से कि क्लाउड्स में चार्जेस किस तरीके से सेपरेट होते हैं। जब थंडरस्टॉर्म होता है रेनी सीजन, जब थंडरस्टॉर्म का टाइम जो होता है, थंडरस्टॉर्म के वक्त कुछ एयर करंट जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, एंड व्हाइल द वॉटर ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड्स, वॉटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड नीचे की ओर आते हैं, क्लियर, जिसकी वजह से क्या होता है दिस विक्टोरियस मूवमेंट्स को सेपरेशन ऑफ चार्जेस,
इसकी वजह से जो चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो होता है दोनों क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं। अब किस तरीके से सेपरेट होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए बाय अ प्रोसेस नॉट एट कंप्लीटली अंडरस्टैंड द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स। बच्चे इस वक्त जब ये प्रोसेस जो होती है चार्जेस जो है जब सेपरेट होते हैं तब पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्लाउड्स के अपर ऊपर के साइड चले जाते हैं। देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है क्लाउड्स के ऊपर चार्ज दिख रहे हैं आपको फिगर में इस तरीके से ओके। एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस क्लाउड्स के लोअर एजेस में नेगेटिव चार्ज जो है इस तरीके से लोअर एजेस में आ जाते हैं। मीन्स दोनों चार्ज जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्लाउड्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज है क्लाउड्स की एज के ऊपर चले जाते हैं और नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर आ जाते हैं इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर ओके इतना तो हमें समझ लिया। तो ए प्लस क्या है आपको क्वेश्चन होना ये तो चलो ये पॉजिटिव ऊपर चला गया क्लाउड में नेगेटिव नीचे आ गया लेकिन ये क्या है तो देखिए उसके बारे में देखते हैं। देयर इज पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। बच्चों जिस तरीके से क्लाउड्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर चले गए उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो ग्राउंड के नीचे की ओर ग्राउंड पे भी होते हैं। देखिए एक ग्राउंड फ्लोर है तो अंगार है ग्राउंड पे नीचे भी इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने सेपरेट होता हुआ दिखा किसको सेपरेट होते हुआ देखो चार्जेस को यहाँ पे हमने चार्जेस को सेपरेट होते हुए देखा कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर चले जाते हैं क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर आ जाते हैं और यस ग्राउंड जो होता है तो ग्राउंड जो होता है ग्राउंड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। समझ में आ रहा है इस तरीके से पूरा चार्जेस का चार्जेस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। देन व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्युमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज द एयर व्हिच इज नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। बच्चों यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये चार्जेस का एक्युमुलेशन जब चार्जेस जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे चार्जेस इंक्रीज होते जाते हैं जैसे वैसे एयर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब एयर जो है उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती तो एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आपको पता है एयर क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एयर जिसकी वजह से एयर जो है इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो के चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस इस चार्जेस का जो फ्लो जो होता है उसको एयर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब एयर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो क्या होता है देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट। देखिए एयर कंट्रोल नहीं कर पाती जिसकी वजह से क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पहले तो सेपरेट होते हैं देखिए लेकिन जैसे 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 इंक्रीज होते जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वैसे वैसे एयर कंट्रोल नहीं कर पाते जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है क्या हो जाते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक दूसरे को टच हो जाते हैं एक दूसरे को मिल जाते हैं प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड जिसकी वजह से जब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है एक्यूमुलेट होते हैं जब एक दूसरे की ओर आते हैं जब मिलते हैं तब क्या होता है एक स्ट्रिक होता है ओके ब्राइट लाइट एंड साउंड तब एक ब्राइट लाइट होती है और साउंड आता है जो हमने सुना ही है जब हम रेनी सीजन में जब स्काई में देखते हैं स्काई में लाइट होती है तब हमको पीछे साउंड भी सुनाई देता है याद है ना आपको है ना। लेकिन ऐसा क्यों बच्चों एक बात आपको याद हो तो देखिए जब लाइटनिंग होती है लाइट हम देखते हैं स्काई में बाद में साउंड जो है वो थोड़ी देर बाद में सुनाई देता है पता है आपको। देखो ऐसा क्यों होता है साउंड थोड़ी देर बाद में क्यों सुनाई देता है क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइटनिंग लाइट की जो स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से बहुत फास्ट है। समझ में आ रहा है साउंड की स्पीड जो है वो स्लो है लाइटनिंग की स्पीड फास्ट है जिसकी वजह से लाइटनिंग हमको पहले दिखती है और साउंड जो है एयर के थ्रू ट्रैवलिंग करके हमको देर से सुनाई देता है इसलिए ऐसा होता है ओके। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बिल्ड प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड जिसकी वजह से ब्राइट लाइट होती है और साउंड आता है विच इज फिक्स्ड एज लाइटनिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। बच्चों हमको ये जो लाइटनिंग देखने को मिलती है
वो क्या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ओके डिस्चार्ज होता है। देन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। एक बात मैं और आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो होता है वो बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स, दो या फिर दो से ज्यादा क्लाउड्स के बीच में हो सकता है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में भी ये प्रोसेस हो सकती है, याद रखेगा। नाउ टूडे वी विल नॉट गेट फ्राइटन्ड बाय लाइटनिंग लाइक अवर एंसेस्टर्स डिड। देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि पहले के टाइम में हमारे एंसेस्टर जो थे ओके वो लाइटनिंग से डरते थे, घबराते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उसको पता नहीं था कि लाइटनिंग की प्रोसेस क्या होती है ओके, लाइटनिंग के बारे में कुछ उसको नॉलेज ही नहीं था, इसीलिए वो डरते थे। बट नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फेनोमेनन। लेकिन हमको पता है कि बेसिक फेनोमेनन जो है इसका वो क्या है, लाइटनिंग किस तरीके से होता है वो सब हमको पता है ओके। तो उसको लाइटनिंग किस तरीके से हो तो हमको पता है, तो उसको प्रोटेक्ट भी किस तरीके से किया जा सकता है वो भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पे समझने वाले ओके। पहले इतना समझ लीजिए स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग जो है उसकी स्टोरी आज हमने समझी कि लाइटनिंग जो है वो किस तरीके से होती है। तो हमने समझा कि क्लाउड जो है, क्लाउड्स में जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ओके, सेपरेट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है क्लाउड्स के अंदर इंक्रीज होने लगते हैं, प्लस होने लगते हैं, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एयर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के फ्लो को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक दूसरे को मिल जाते, एक दूसरे को टच हो जाते हैं। और टच होते ही क्या होता है, यस लाइटनिंग एंड साउंड ओके, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आज हमने स्टोरी ऑफ लाइटनिंग के बारे में समझा कि लाइटनिंग जो है स्काई में किस तरीके से होती है ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट फोर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट फाइव में हम इससे भी आगे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में समझने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे कि लाइटनिंग जो है, चलो लाइटनिंग होती तो है लेकिन लाइटनिंग से प्रोटेक्ट होने के लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके। थैंक यू वेरी मच।